हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू सेवन सोल्स एजुकेशन। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का डेली क्विज 8 10 on 10। आज स्पेशल है हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अकबर ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स एंड कोर्टियर अबुल फाजल टू राइट अकबरनामा, a work of 3 volumes. The volume deal with Akbar's ancestor, evolution of administrative setup in Indian subcontinent, geography of India, events of Akbar's reign. Akbar Nama jo hai kis baare mein hai? Abul Fazl ne Akbar Nama likha hai, wo kiske baare mein hai? 3 uske volume hai. To answer iska kya hoga? Answer is 1 and 4 are correct. Akbar's ancestor ke baare mein hai aur events of Akbar reign. Jo first volume hai अकबर के एंसेस्टर से डील करता है, सेकेंड वॉल्यूम इवेंट्स ऑफ अकबर स्ट्रेन, अकबर के शासन काल के दौरान क्या क्या इवेंट्स घटित हुए उसके बारे में है, थर्ड वॉल्यूम का नाम है आईने अकबरी। आईने अकबरी जो है हाउस होल्ड आर्मी रेवेन्यू ज्योग्राफी ऑफ हिज एम्पायर, मतलब अकबर के हाउस होल्ड आर्मी रेवेन्यू क्या था, ज्योग्राफी अकबर के एम्पायर का क्या था, ना कि इंडिया का, उससे डील करता है। It provides rich details about tradition and culture of people living in India. The most interesting aspect about Aine Akbari is its rich statistical detail. Aine Akbari जो है क्यों important है, क्योंकि इसमें जो है एकदम statistically correct data जो है दिया गया है, crops के बारे में, yields कितने होते थे, ठीक है, prices क्या थे उस time पे, salary, wages है ना, revenue कितना आता था, सब कुछ दिया हुआ है। Second question देखते हैं। In medieval India, Mahamandaleshwara was a term often used for. Mahamandaleshwara किसके लिए यूज होता है? Samantas who gained power and wealth to overpower their lord, kings who undertook an oversea expedition, priests who performed the most Ashwamedha sacrifices, patrons of temple with several deities. इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसका आंसर है ए, ऐसे सामंत जो अपने राजा को ही ओवर पावर कर देते थे, उनको बोला जाता था महामंडलेश्वरा। ये 17th century की बात है, ठीक है, जो बिग लैंडलॉर्ड थे, वॉरियर चीफ थे, उनको सामंत कहा जाता था, ठीक है, और किंग भी उन्हें एक्नॉलेज करते थे कि वो हमारे नीचे आते हैं, सबॉर्डिनेट हैं। दे वेर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड, बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट। लेकिन जैसे जैसे समानता के पास धन इकट्ठा होने लगा, पावर आने लगा, तो उन्होंने अपने आप को महासमानता डिक्लेयर कर दिया या महामंडलेश्वरा डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, और अपने किंग के ऊपर ही राज करने लगे। चंद्रगुप्त सेकंड, अ रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर एज्यूम द फेमस टाइटल ऑफ सकरी, व्हाट डिड द टाइटल इम्प्लाई। सकरी का जो है टाइटल दिया गया है चंद्रगुप्त सेकंड का, इसका मतलब क्या है सकरी का? Destroyer of Saka, Lord of World, Well-Wisher of Masses, Devotee of Sankara. Answer is Destroyer of Sakas. Sakas को destroy करने वाला। चंद्रगुप्ता सेकेंड का जो greatest military achievement है वो है Saka के खानदान को नष्ट करने का, ठीक है। Saka जो last ruler था Saka का, रुद्रसिम्हा थर्ड, उसको dethrone किया था और उसे मार दिया गया था हराकर, ठीक है। हिज टेरिटोरी इन वेस्टर्न मालवा, जो रुद्रसिम्हा थर्ड का टेरिटोरी था वेस्टर्न मालवा और काठियार पेनिनसुला में, उसको गुप्ता एम्पायर में मिला लिया गया था। और इस विक्ट्री के बाद विक्रमादित्य या बोलें तो चंद्रगुप्ता सेकंड को सकारी का टाइटल मिला, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ साकाज, और चंद्रगुप्ता सेकंड को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। विथ रेफरेंस टू चोला एजुकेशन एंड लिटरेचर, Consider the following. Temples and mutts served as only educational center. Not only Vedas and epics, but subjects like mathematics and medicine were also taught. Endowment of lands was made to run educational center. Endowments मतलब gift की तरह होता है। तो इसका answer है 2 and 3, ठीक है। जो चोला education system में था उसमें Vedas और epics के अलावे mathematics और medicine भी पढ़ाया जाता था। और ये भी करेक्ट है कि जो लैंड्स थे वो एजुकेशनल सेंटर्स रन करने के लिए गिफ्ट किए जाते थे,
पर ये नहीं था कि टेंपल्स और मठ ही सिर्फ एजुकेशनल सेंटर की तरह सर्व करते थे. बिसाइड टेंपल्स एंड मठ्स सेवरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आल्सो फ्लरिश्ड. ठीक है. और द डेवलपमेंट ऑफ तमिल लिटरेचर रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग चोला पीरियड. चोला पीरियड के दौरान जो है तमिल लिटरेचर बहुत ही अपनी ऊंचाइयों पर पहुँच गया था. एंड लॉट ऑफ इट केम फ्रॉम कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर टू इनरिचमेंट ऑफ दिस कल्चर. मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन स्टडीज शोड दैट किंग्स इनकरेज लॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल परसूट्स एंड वर नॉट सेंटर्ड इंटायरली ऑन रिलीजियस स्टडीज. पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं. इन एंशियंट इंडिया कुत्ताग्रहशाला वॉज अ प्लेस वेयर इंटेलेक्चुअल डिबेट्स अमॉन्ग बुद्धिस्ट मेंडिकेंट्स टू प्लेस. अ प्लेस हाउसिंग आर्टिफैक्ट्स ऑफ हाई वैल्यू. एन ओपन प्लेस वेयर रॉयल रिलीजियस प्रोसेशन टू प्लेस. अ सब्सिडाइज पब्लिक होम स्टे फॉर ट्रैवलर्स अराउंड द किंगडम. आंसर इज ए. प्लेस वेयर इंटेलेक्चुअल डिबेट्स अमॉन्ग बुद्धिस्ट मेंडिकेट्स टू प्लेस. जहाँ पे जो बुद्धिस्ट भिक्षु थे वो लोग, मेंडिकेंट्स का मतलब होता है भिक्षु, जो लोग अपना जीवन जो है भिक्षा मांगकर व्यतीत करते हैं. तो जो बुद्धिस्ट भिक्षु थे वो लोग अपने आप में इंटेलेक्चुअल डिबेट्स करते थे, और जहाँ पे वो लोग करते थे उस जगह का नाम होता था कुताग्रहशाला. वहाँ पे डिस्कशंस होते थे, डिबेट्स होते थे. बुद्धा और महावीरा जो टीचर है, ये लोग प्लेसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाकर ऐसे डिस्कशंस करते थे. और कुताग्रहशाला जो है एक झोपड़ी होता था, उसका पॉइंटेड रूफ होता था. सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं. आई होल इंस्क्रिप्शन इज नोन एज क्रैडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर. वाज इज सूड अंडर द रेन ऑफ. आई होल इंस्क्रिप्शन जो है आंसर है ए. चालुक्याज फर्स्ट कैपिटल ऑफ चालुक्या. चालुक्या का पहला कैपिटल आईहोल था, जहाँ पे इन्होंने बहुत सारे टेंपल बनाए हैं 6th century में. मैनी इंस्क्रिप्शन फाउंड एट आईहोल बट इंस्क्रिप्शन विच फाउंड एट मेगुती टेंपल. मेगुती टेंपल में जहाँ इंस्क्रिप्शन मिला है, जिसको आईहोल इंस्क्रिप्शन के नाम से जाना जाता है, इसका बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है हिस्ट्री ऑफ इंडिया में. ठीक है. आईहोल इंस्क्रिप्शन इशूड बाई पुलाकेशिन सेकेंड. पुलकेशिन सेकेंड ने जो है आईहोल इंस्क्रिप्शन इंस्टीट्यूट किया था, और इससे हमें पुलकेशिन सेकेंड्स के शासनकाल के बारे में पता चलता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर. इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर के बारे में, इट इज हाइब्रिड आर्किटेक्चरल स्टाइल. मेडिवल बिल्डिंग्स इन इंडिया विथ द डोम्स एंड छत्रीज इंस्पायर्ड इट. द गेटवे ऑफ इंडिया वॉज बिल्ट इन दिस स्टाइल. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स ब्लॉक. आंसर इज 1, 2, and 3. ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. ठीक है. सारसिन जो है यूरोपियंस यूज करते थे ये टर्म. सारसिन वो लोग मुस्लिम्स को डिजिनेट करने के लिए यूज करते थे, और इंडो जो है हिंदू के लिए. द इंस्क्रिप्शन फॉर दिस स्टाइल वॉज मेडिवल बिल्डिंग्स इन इंडिया विद देयर डोम्स छतरी जालीज एंड आर्चेज. गेटवे ऑफ इंडिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंडो सारसेनिक आर्किटेक्चर का. जमशेद जी टाटा ने जो ताजमहल होटल बनाया है वो भी सिमिलर स्टाइल में बनाया हुआ है. 8th क्वेश्चन पे आते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट कालीघाट पेंटिंग विच ओरिजिनेटेड इन बंगाल. द स्कूल प्रोड्यूस्ड पेंटिंग्स दैट वेर इरिप्रोड्यूसिबल बाई लिथोग्राफी. द स्कूल रिस्ट्रिक्टेड इटसेल्फ टू डिपिक्शन ऑफ नेचुरल नेशनलिस्टिक एंड सेकुलर थीम्स. विच ऑफ द अबोव इज और आर करेक्ट. वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू. आंसर इज बोथ ऑफ देम आर इनकरेक्ट. कालीघाट पेंटिंग जो है इरिप्रोड्यूसिबल नहीं है, रिप्रोड्यूसिबल है लिथोग्राफी से, और ये सेकुलर ही नहीं. ठीक है. दिस वॉज नॉट ओनली सेकुलर बट बहुत सेवरल हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस के भी चित्र बनाए गए थे, इसलिए सेकुलर तो होगा नहीं. और टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स में जो भी कैरेक्टर्स थे उनके ऊपर भी इस पर पेंटिंग है. 9th क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग मैचेज ऑफ फेस्टिवल विथ प्लेस दे आर एसोसिएटेड विथ. फेस्टिवल है और इधर प्लेस का नाम है. समाका सरलामा जात्रा तमिलनाडु, जल महोत्सव मध्य प्रदेश, कथाकार ओरल स्टोरी टेलिंग महाराष्ट्र. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स ब्लॉक. आंसर इज 2 only. ठीक है. ये बस जल महोत्सव जो है मध्य प्रदेश में होता है, ये करेक्ट है, बाकी दोनों इनकरेक्ट है. समाका सराका जात्रा ये कोया ट्राइब
ठीक है, फॉरेस्ट ड्वेलिंग ऑफ क्वा ट्राइब ऑफ तेलंगाना, यहाँ पे मनाया जाता है तेलंगाना में, क्वा ट्राइब से रिलेटेड है, समाका सारा का यात्रा। जल महोत्सव तो मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। कथाकार जो है केरला से है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्रिया इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, व्हाट डज द सत्राज मीन इन इट्स कंटेक्स्ट। सूत्राज ऑफ डांस, स्पिरिचुअल रागाज, वैष्णव मठ और मोनास्ट्रीज, सेवन वेज ऑफ डिवाइन मूवमेंट। आंसर इज वैष्णव मठ और मोनास्ट्रीज। सत्रिया डांस फॉर्म 15th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था बाई वैष्णव सेंट ऑफ असम महापुरुष शंकर देव ने, ठीक है, महापुरुष शंकर देव ने सत्रिया डांस शो किया, इंट्रोड्यूस किया है। द डांस फॉर्म इवॉल्व्ड एंड एक्सपांडेड एज डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ डांस लेटर ऑन। द न्यू वैष्णव ट्रेजर ऑफ असमीज डांस एंड ड्रामा हैज बीन फॉर सेंचुरीज नर्चर्ड एंड प्रिजर्व्ड विद ग्रेट कमिटमेंट बाय सत्राज। सत्राज का मतलब होता है वैष्णव मठ और मोनास्ट्रीज, ठीक है, इसलिए इसका नाम जो है सत्रिया पड़ा। ये असम से रिलेटेड है, महापुरुष शंकर देव ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। सो ये था आज का डेली क्विज। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।